मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा यह नारा दिया गया था। आज देश के प्रधानमंत्री को झुका हुआ देश ने देखा, जो किसानों के आगे झुके, जहां उन्होंने 700 से ज्यादा किसानों की जाने गई तब एक ट्वीट नहीं किया, और आज जब उपचुनावों के नतीजे सामने आए और उत्तर प्रदेश से अपनी खोई हुई सत्ता जो जा रही है उसे देखा, तो आज किसानों के लिए दिल में प्यार उमड़ आया और देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि मैं ये काले कानून को वापस ले लूंगा। और काले कानून को वापस लेने के साथ साथ आज उन अंधभक्तों को भी ढूंढा जा रहा है जो किसानों के लिए बदजुबानी कर रहे थे, जो किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, जो किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे, नकली किसान बता रहे थे, कभी तार पाकिस्तान से जोड़ रहे थे तो कभी आतंकवाद से उनके तार खंगाले जा रहे थे। आज झुका हुआ जो देखा वो गोदी मीडिया को देखा, जो लगातार किसानों के खिलाफ एक कैंपेन करता रहा, जहां किसानों ने भी आईना दिखाने से गुरेज नहीं किया गोदी मीडिया को, तो हमने सिंधु बॉर्डर की वो तस्वीरें भी देखी जहां किसानों ने गोदी मीडिया के एंकरों को खदेड़ा, हमने वहां पंचायत में चित्रा त्रिपाठी को खदेड़ते हुए उन किसानों को भी देखा जो लगातार किसानों के खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहे थे। आज तमाम उन चेहरों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो किसानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, और जब देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये ऐलान किया गया तो सड़कों पर जहां जहां किसान बैठे हुए थे उनमें हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला, जो खुशी से झूम उठे और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। और जब उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो संघी मानसिकता से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के राजनेता भी बौखलाए हुए दिखाई दिए। मैं बात कर रहा हूं कपिल मिश्रा की, जो उन्होंने किसानों को लेकर के अभी बयान दिया है। मैं तमाम चीजों को एक एक कर आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो Facebook, Insta, Twitter पर देख रहे हैं तो Insta, Twitter पर हमें फॉलो कीजिए और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब उन वीडियोस पर नजर डाली जाए जो किसान आंदोलन से निकल करके आज सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपने किसानों को झूमते हुए देखा, किसानों को एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए देखा, तो इस आंदोलन के बाद किसानों ने सड़कों पर पटाखे फोड़े हैं। वो किसान जो तानाशाही हुकूमत के आगे झुका नहीं और उसने तानाशाही हुकूमत को ही घुटने पर लाकर के खड़ा कर दिया, तो किसान जो है पूरी तरीके से झूम उठे हैं। और जब किसान पूरी तरीके से झूम उठे हैं तो उनके पाले हुए जो गुर्गे राजनेता हैं कपिल मिश्रा जैसे तमाम अंधभक्त
जिनकी प्रतिक्रिया भी इसे लेकर के सामने आ रही है। कपिल मिश्रा ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। मोदी जी ने आज फिर से साबित किया है कि उनके लिए देश सबसे बड़ा है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं। किसान कानूनों की आड़ में जो लोग खालिस्तानी एजेंडा चलाना चाहते थे, देश को तोड़ना चाहते थे, अब उन लोगों को खुलकर सामने आना पड़ेगा। पर्दे के पीछे से आग लगाने का, आतंक फैलाने का जो खेल रचा जा रहा था लंदन से लेकर कनाडा तक में, वो अब नहीं चल पाएगा। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। एक बड़ा लीडर ही खुद सामने आकर इस प्रकार के निर्णय की घोषणा कर सकता है। देश मोदी जी के इस ऐतिहासिक निर्णय में उनके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, आपने कपिल मिश्रा के बयान को सुना, जहां वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को धन्यवाद देने की जरूरत है, जिन्होंने के लिए देश पहले है बाद में तमाम चीजें। कनाडा से लेकर के पता नहीं कहां कहां से फंडिंग हो रही थी किसानों को, उन तमाम बातों का जिक्र किया। जब धन्यवाद आप दे ही रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो 700 किसानों की जान आपकी पार्टी की एक छोटी सी चूक के चलते गई है, क्या उन मौतों का भी मजाक कपिल मिश्रा बना रहे हैं? क्या कपिल मिश्रा देश की जनता से इस चीज के लिए माफी मांगेंगे, या अपने अब्बा को ये जाकर के कहेंगे कि आपके जो फैसले थे वो कहीं ना कहीं गलत थे और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा? ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहां कहां जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, पहले इन चीजों पर भी नजर डालें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद कुंडली सिंधु बॉर्डर पर किसानों में जश्न का माहौल है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर किसानों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। किसान नेताओं ने पीएम मोदी का आभार भी जताया और कहा कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। साथ ही किसान बोले कि संसद सत्र के पहले ही दिन कानूनों को वापस लिया जाए, साथ ही एमएसपी पर कानून बनाए जाए और किसानों पर दर्ज मुकदमा सरकार वापस ले। किसानों ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग जल्द होगी और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा भी दिया जाए। वहीं चरखी दादरी कृषि कानूनों की वापसी पर आढ़तियों व व्यापारियों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। सब्जी और अनाज मंडी में आढ़तियों ने किसान व्यापारी एकता के जिंदाबाद के नारे लगाए। सब्जी मंडी में आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन जांगू ने अगुवाई की और खुशी जताई। कुरुक्षेत्र में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पत्नी बलविंदर कौर ने कहा कि ये किसानों की मेहनत का फल है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, उनका हिसाब सरकार को देना होगा। जब तक इन कानूनों को लिखित में रद्द नहीं दिया जाएगा, तब तक हम एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, किसान आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने कहा कि 3 कृषि कानूनों से किसानों को आजादी का मार्ग प्रशस्त होगा, मगर 23 प्रदेशों के लिए किसान संगठन इस आंदोलन को लेकर लड़ाई लड़ेंगे और कृषि कानून आंदोलन को लागू करवा कर रहेंगे और दोबारा से आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन कृषि कानून के नाम पर जो अराजकता फैलाई गई, इसलिए आज किसी कानून को वापस लिया गया। रेवाड़ी के गंगा जल टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने भी लड्डू बांटे और कहा कि हम अभी जीते हैं और जीतेंगे के नारे के साथ 21 नवंबर को रेवाड़ी शहर में जुलूस निकालेंगे। उन्होंने एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की भी मांग की है। तो तमाम तस्वीरें जो हैं देशभर से आना शुरू हो गई हैं, और जब देशभर से ये तस्वीरें आ रही हैं तो संघी मानसिकता से जुड़े हुए इनके राजनेता बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि आखिरकार किस तरीके से सारे मसले को डिफेंड किया जाए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।